जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि के लिए यह चैनल लाया गया है और इसमें मैं वहां पर जो भी कुछ चीज़ें प्रचलित थी, वो सत्य थी या असत्य या सही थी या गलत, मैं इस विवाद में नहीं पड़ता हूँ। मैं इसमें सिर्फ यही दे रहा हूँ कि यह कुछ था, बस इतना मेरा कहना मात्र है कि वहाँ के लोक जीवन में यह चीज़ें भी थी, अच्छी थी बुरी थी, यह तो समय के बदलने के साथ हर चीज़ों का महत्व बदलता जाता है। और इसी परंपरा में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आज मसाण, आपने सुना होगा एक मसाण, उत्तराखंड में आज भी यदि आप गहरी जो नदियों के जो तालाब होते हैं, नदियों के बीच में जिसको हम ढंड कहते हैं, नदी के बीच में जो वहाँ आमतौर पर कहा जाता है कि वहाँ पर मसाण रहता है। मसाण को लेकर यह एक मान्यता है कि एक उग्र प्रकृति का भयंकर डरावनी जो है प्रेतात्मा होती है, और ये भी कहा जाता है कि ये उन युवकों की प्रेतात्माएँ हैं जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक तौर पर हो गई थी और जिनकी सदगति नहीं हो पाई, यानी जो अनुष्ठान किए जाने थे वे नहीं हो पाए थे। मृत्यु के बाद मनुष्य कहा जाता है आत्मा है या नहीं, इस तरह के जो विचार हैं इस पर सदियों से मानव सभ्यता विचार करती रही है। कुछ संस्कृतियां कहती हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, लेकिन हिंदू सभ्यता मानती है कि आत्मा अजर अमर है। और इस मान्यता में यह भी है कि जब असमय मृत्यु हो जाती है अथवा मृत्यु के बाद उचित मृत्यु संस्कार नहीं मिल पाते हैं तो वे आत्माएँ भटकती रहती हैं और उन्हें भूत प्रेत कहा जाता है। इसी तरह के आत्माओं का जो ये भूतों का समूह है या भूत होते हैं, एक तरह के जो भूत हैं वे मसाण कहलाते हैं और जो नदियों के किनारों पे या शमशान में रहते हैं। प्रोफेसर डीडी शर्मा अपनी पुस्तक उत्तराखंड के लोक देवता में कहते हैं कि मसाण एक उग्र प्रकृति की भयंकर डरावनी प्रेतात्मा होती है। वैसे एक बात तो सत्य है कि पहाड़ियों का, चाहे वो उत्तराखंड हो, नेपाल हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, जो भी क्षेत्र है, यहाँ के लोगों में इस तरह के भीत जो भूत प्रेत की जो है कॉन्सेप्ट है ये अद्भुत हैं। उत्तराखंड के लोगों में तो भूतों को लेकर अद्भुत का डर है, वे देवता पूजने जाए लेकिन भूत को पूजने अपने गांव अवश्य जाते हैं। और ये कहा जाता है कि इन्हें नदी के एक संगम से दूसरे संगम तक का इनका अधिपति माना जाता है। ये युवतियों व बालकों में अविष्ट होकर उन्हें पीड़ित करते हैं, यानी वो उन पर लग जाते हैं, ये जो वहाँ की लोकल भाषा में ये कहा जाता है। इनके आक्रांत होने पर व्यक्ति गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाता है, अनर्गल बातें करने लग जाता है, उस पर दवा दारू का कोई असर नहीं होता है और इनसे मुक्ति पाना काफ़ी कठिन होता है। इसलिए यह देखा होगा आप लोगों ने भी कि नदी के किनारों से जब भी लोग जाते हैं तो उनमें वो पैसा डालते हैं या वहाँ नमन करते हैं, तो यही प्रचलन है। यह सिर्फ पहाड़ में नहीं, मैदानी क्षेत्रों में यह है कि नदी से गुजरते लोग कुछ पैसा डालते हैं, तो यानी वे जल देवता, यह कह सकते हैं कि जलों में रहने वाले देवता हैं या प्रेतात्मा हैं, जो भी हो। एक और है कि जब शादी ब्याह के मौके पर जब उधर से इन नदियों के किनारों से या गहरा जो उनके नीचे तालाब जहाँ गहरा पानी होता है वहाँ से गुजरती हैं ये जो बारातें हैं, तो उस समय भी जो दूल्हा होता है या जो भी उनके सिर के ऊपर से अक्षत वह पैसा, अक्षत यानी जो चावल होते हैं, और पैसा को उनके ऊपर परख कर यानी घुमा कर और वो मसाण के नाम निमित्त करके पीछे की ओर फेंक देते हैं, अन्यथा यह मान्यता है कि उनसे अविष्ट होकर उन्हें पीड़ित कर वो उन्मत्त बना देता है। और मसाण का तो इतना डर होता है कि वो घने जंगल, गाढ़ गधेरे, नदियों के संगम या शमशान में कब वो किस पर चिपट जाए ये कह नहीं सकते। और जागरों में ही इनका फिर वर्णन मिलता है। जागरों में कहा जाता है कि लोकप्रिय स्थानीय देवता गंगोनाथ जीव तक को 13 वर्ष के ऊपर में काली घाट के मसाण ने पकड़ लिया था। वही लोक कथा यह कि गंगोनाथ जी से काली घाट के मसाण ने अपना हिस्सा मांगा और फिर गंगानाथ जीव और काली घाट के मसाण के बीच 7 दिन 7 रात तक युद्ध चला। तब गंगनाथ जी ने स्थानीय देवता को पुकारा और गोलजी ने आकर काली घाट के मसाण को साधा। तभी से गंगोनाथ जी को पूछते समय हमेशा गोलजू याद किए जाते हैं। गंगोनाथ जी वैसे वह स्थानीय देवता हैं, लेकिन ये माना जाता है कि नाथपंथी साधु भी जो ये एक गंगनाथ थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बंगाल में एक मसाण कला है। इसके तहत कपड़ों पर चित्र बनाए जाते हैं
और इसमें ना वो भगवान है ना राक्षस है। वास्तव में यह जो मसान शब्द है यह प्राचीन बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तिब्बत के जो प्राचीन बौद्ध धर्म था उसमें मसान देवी की कल्पना की गई है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन और खासतौर पर जो बौद्ध धर्म था उसके भी पतन हो जाने के कारण ये मसान जो हैं सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक रह गए और वो जो उत्तराखंड की सीमाओं में थे या जो भी जहाँ सीमांत प्रदेश से जहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा तिब्बत से जो आया था उसका प्रभाव रहा कि ये भूत की तरह माने जाने लगे। और फिर वो लोकल स्थान पर आते आते वे इस तरीके से भूत बन गए कि वे स्थानीय तौर पर जैसे उत्तराखंड में जागरों में पूजे जाने लगे और उनकी स्थानीय कहानियाँ भी बन गई। आगे कूच बिहार में भी इस तरीके के जो है मसान देवी के वहाँ पे या उनसे जुड़े जो भी कुछ बचे हुए अंश हैं वहाँ पे कुछ वहाँ पे अब भी मिलते हैं। कूच बिहार की तरफ जो मसान देवी ही देवता हैं उनके जो है चित्र बनते हैं जो भी जिससे बंगाल में मसान कला है और वो बहुत ही विचित्र और भयावह दिखते हैं। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा वहाँ उस तरह के ये भूत पिशाच मसान आते रहे। जैसे यहाँ उत्तराखंड में मसान बाण ब्याल भूतों की टोली इसको कहते हैं शाकणी डाकणी छल छित्र शीद और बारह विधा जैसे बड़े बड़े किस्से पुराने लोगों से मिलते हैं। और एक जगह तो ये भी मिलता है कि एक जो मसान होता है वो एक टांग वाला होता है एक पैर वाला होता है और उसको भी ये कहते हैं कि वो जो लोग चलते हैं जैसे ग्रुप में उनके साथ चला जाता था और कभी कभी वो बैसाखी पर आता भी दिखाई देता है। कई बार तो यह भी लोग कहते हैं कि जैसे कोई ग्रुप में लोग रात को जाते हैं तो यह मसान उनके बीच आ जाता है उनसे बातचीत करता है बातचीत का हिस्सा होता जाता है लोगों को पता ही नहीं चलता। तो इसलिए आमतौर पर यह देखा जाता था कि चलते हुए पीछे नहीं देखना था मुड़कर नहीं देखना होता था या किसी का आवाज़ ही लगानी होती थी। इस तरह के बहुत सी जो है लोगों में इस तरह के अंधविश्वास है और इनसे छुटकारा पाने का एक ही उपाय होता है कि रखवाली एवं झाड़ा ताड़ा यानी तांत्रिक पूजा। यह मान्यताएं थी और आज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए मेरे से कोई मतलब नहीं है ना मैं ये अंधविश्वास बढ़ाने जा रहा हूँ ना कुछ क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। मेरा सिर्फ यह कि यह कुछ होता था यह कुछ मान्यता रही है और अब भी है और कई जगह तो इनके मंदिर है जैसे अल्मोड़ा जिले के परगना जो फलदा कोट है वहाँ पर काकड़ी घाट के निकट इनका एक मंदिर है और वहाँ पे कंडारखुआ नामक स्थान पर कोशी के नित्वर जो है मंदिर है। इसी तरह गढ़वाल में से शैव देव वर्ग के शाण यानी महेशाण या मशाण देवता का रूप माना जाता है और टिहरी जिले के पट्टी भारदार के तिमनी गांव में इनका एक छोटा सा देवालय भी है। एक मान्यता यह भी कि ये शमशान के भूत होते हैं जो प्राय तौर पर दो नदियों के संगम पर होते हैं। आमतौर पर जब ये पता नहीं लग पाता कि ये कौन सा भूत फला व्यक्ति पे लग गया है तो ये मान लिया जाता है कि वह मसान या खबीस का सताया हुआ है। मसान काला व क्रूप समझा जाता है वह चिताभा से उत्पन्न होता है और ये भी मान्यता है कि लोगों के पीछे दौड़ता रहे और कोई उसके त्रास से मर भी जाते हैं कोई बीमार हो जाते हैं कोई पागल हो जाते हैं। जब किसी को मसान लगता है तो उसके जागर लगाए जाते हैं लोग नाचते भी हैं। पीड़ित व्यक्ति मनुष्य जो है उर्द व चावल जोर जोर से फेंकते हैं उनको बिच्छू घास भी लगाते हैं गर्म राख से अंगारे हुए फेंकते हैं। भूत पीड़ित मनुष्य कभी कभार इन उग्र उपायों से मर भी जाता है। खबीस भी मसान का ही तेज मिजाज वाला होता है वह अंधेरी गुफाओं और जंगलों में पाया जाता है। कभी वह भैंस की बोली बोलता है कभी बकरियों की और वह जंगली सुअर की तरह चिल्लाता है। ये मान्यताएँ हैं न हमने देखी है न किसी ने बस मान्यता है। और कभी यह साधु का भेष धारण कर यात्रियों के साथ चल देता है पर उसकी गुनगुनाहट अलग मालूम होती है वह ज़्यादातर रात में चिपटता है। वास्तव में यह सब एक मन के भय थे डर थे और जब उस तरीके से शिक्षा का अभाव था तो लोग इस तरह के हर तरह के भूतों की कल्पना की गई चाहे उन पेड़ के हों नदियों के हैं भूतों के हों जंगलों के हों शमशान के हों नदियों के किनारे के हों। तो यह एक प्रचलन में था। मेरा इस प्रथा को ना उसको कोई महिमा मंडित करने का नहीं है ना इसका खंडन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ बता रहा हूँ एक जानकारी दे रहा हूँ कि वहाँ के लोक जीवन में यह सब कुछ भी था। तो यह वैसे एक कथा यह भी कही जाती है कि वास्तव में जो जैसे शमशान घाट में जो भी भूत होते हैं मशान वो भगवान शिव का ही रूप एक मशान बाबा होता है। और यह नहीं इवन यहाँ तक कि बिहार के गया में भी इसी तरह की परंपरा है लेकिन गया के शमशान घाट पर भगवान विष्णु को विष्णु मशान के रूप में पूजा जाता है।
वैसे आप जादू टोना के उसमें किताबों में भी देखेंगे तो वास्तव में यहाँ तक कि लाल किताब में भी मसान के लक्षण, मसान बाधा के लक्षण, मुक्ति और इसके हटाने के उपायों का भी उल्लेख है। और वास्तव में ये पूरी तरह के इसमें लिखा गया है कि किस तरह से, उसमें ही कहा गया कि मशान बाधा का अर्थ मनुष्य के शरीर पर एक भूत की छाया है। यह योग न केवल मूल निवासी को परेशान करती है बल्कि उसके पूरे शरीर को भी डराता है। प्रेत बाधा में अदृश्य बल मानव शरीर पर कब्जा कर लेते हैं और ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में प्रेत बाधा होने पर जातक भूतों से पीड़ित होता है और इससे मुक्ति के भी बाकायदा उपाय दिए गए हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह सब अंधविश्वास है। इस अंधविश्वासों से सभी लोगों को मुक्ति पा लेनी चाहिए। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने की रखने के लिए एक मिशन के तौर पर यह चैनल लाया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वे इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।